हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 53rd टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे MCQs ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, एन X2 कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज इज। खतरे में पड़ी प्रजातियों को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर सुरक्षित रखने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रुप हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें से किस समूह की प्रजातियां सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी हैं? तो इसके अलग अलग आंसर्स दिए गए हैं, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया इज। भारत में लगभग कुल कितनी पौधों की प्रजातियां उपस्थित हैं? ऑप्शन बी, 45,000। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट इन डेंजर्ड। इसमें से कौन सा एक खतरे में नहीं पड़ा है? ऑप्शन डी, एडेक्स एंटीलोप्स। क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी इज। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितनी प्रतिशत जमीन जंगलों से घिरी हुई है? ऑप्शन बी, 23%। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर। रेड डाटा बुक में किस प्रकार की जातियों को लिखा जाता है? तो वल्नरेबल, थ्रेटेंड और इनडेंजर्ड, ये सभी प्रकार की स्पीसीज रेड डाटा बुक में लिखी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, सिमलीपल इज। सिमलीपल है ऑप्शन बी, बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ आवर कंट्री नोन फॉर देयर रिच बायोडायवर्सिटी। हमारे देश के कौन से क्षेत्र अपने अधिक जैव विविधता के कारण जाने जाते हैं? ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज रेफर्ड टू एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। इसमें से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ऑप्शन डी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इविल क्वार्टेट इज रिलेटेड विद। इविल क्वार्टेट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। इसमें से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है? ऑप्शन ए, वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पैंडा। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार रेड पैंडा किस प्रकार की जाति है? ऑप्शन सी, इनडेंजर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 13, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू। वाइल्ड लाइफ का अर्थ होता है? ऑप्शन सी, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। किसी भी प्रकार का जीवित जीव जो अपने प्राकृतिक वास स्थान में रहता है उसे ही वाइल्ड लाइफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन। भारत सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया? ऑप्शन बी, 1972।
क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज। भारत में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इसमें से कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले विकसित किया गया? ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन राइनोसेरस वन हॉर्न राइनोसेरस इज प्रोटेक्टेड इन। एक सींग वाला भारतीय गैंडा कहां पर सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 17, हॉट स्पॉट्स इन बायोडायवर्सिटी आर एरिया वेयर मैक्सिमम। जैव विविधता में हॉट स्पॉट्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए डायवर्सिटी इज फाउंड, जहां सबसे अधिक विभिन्नता या विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन पब्लिश्ड द रेड डाटा बुक इज। किस संस्था ने रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया है? ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेस यानी IUCN। क्वेश्चन नंबर 19, अ थ्रेटेंड स्पीसीज कैटेगरी इंक्लूडेड। एक थ्रेटेंड जाति के अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, इनडेंजर्ड वल्नरेबल एंड रेयर स्पीसीज सभी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सी खतरे में पड़ी प्रजातियों की जोड़ियां हैं? ऑप्शन ए हॉर्नबिल एंड एकोनाइट। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज अ क्रिटिकली इनडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज। इसमें से कौन सी बहुत ही अधिक खतरे में पड़ी जंतु जाति है? ऑप्शन ए सुस सेल्वेनियस। क्वेश्चन नंबर 22, विच इनडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल द शटूश। विश्व की सबसे महीन, सबसे हल्की, सबसे गर्म और सबसे महंगी शटूश नामक ऊन उत्पन्न करने वाली कौन सी खतरे में पड़ी प्रजाति है? ऑप्शन बी चीरू। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। इनमें से कौन सा लक्षण ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट का है? ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस रेन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कुछ जातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी डीफॉरेस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन। साइलेंट वैली कहां स्थित है? ऑप्शन ए केरला। क्वेश्चन नंबर 26, चिपको मूवमेंट इज कनेक्टेड विद। चिपको नामक आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन सी प्लांट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पौधों या जंगलों को बचाने से। क्वेश्चन नंबर 27, राजाजी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। राजाजी नेशनल पार्क कहां स्थित है? ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 28, लायंस इन इंडिया आर नाउ फाउंड ओनली इन। भारत में शेर केवल कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। निम्नलिखित में से क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होता? ऑप्शन डी सॉइल एंड फ्लोरा इज यूटिलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया। भारत में पाई जाने वाली कौन सी जाति खतरे में पड़ी प्रजाति है? ऑप्शन डी इंडियन वाइल्ड एस।
क्वेश्चन नंबर 31, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया इज। एशिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन बी चिल्का लेक। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं मिला है? तो मानस सेंचुरी आसाम में, बांडीपुर सेंचुरी कर्नाटका में और कान्हा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में उपस्थित है, सही है। लेकिन डेचिगम सेंचुरी वेस्ट बंगाल में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में है, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न्ड। जंतुओं के विशेष वास स्थानों के लिए इनमें से कौन सा जोड़ा विषम है? तो बी, सी और डी तीनों ऑप्शंस सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि पेरियार में एलिफेंट नहीं, लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द बंगाल टाइगर बिकम्स एक्सटिंक्ट। यदि बंगाल टाइगर विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इट्स जीन्स पूल विल बी लॉस्ट फॉर एवर। इसका जीन पूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन मैनेजेस जूज इन इंडिया। इनमें से कौन भारत में चिड़ियाघरों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए CZA, यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा एक इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता? ऑप्शन सी बोटेनिकल गार्डन्स। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन। सतत विकास के लिए वर्ल्ड समिट कहां पर किया गया था? ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 38, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसमें से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है? ऑप्शन बी जायंट पैंडा। क्वेश्चन नंबर 39, MAB प्रोग्राम इज ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है? ऑप्शन डी यूनेस्को का। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। विश्व जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो पहले ये 29 दिसंबर को मनाया जाता था, अब इसे 22 मई कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी 22 मई। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।